मैं हूं आपके साथ अमनदीप, और आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों की ओर। झोला छाप के खिलाफ सरकार के निर्देश भले ही सख्त हो, परंतु संभल में अब भी झोला छाप का खेल जारी है। ऐसा ही एक झोला छाप अस्पताल के संचालक ने इलाज में दो बच्चों और महिला की जान ले ली। अस्पताल के खिलाफ लोगों ने लगाया जाम। बाद में पुलिस और स्वास्थ्य तथा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। मामला कस्बा एवं थाना गुन्नौर का है, जहां निजी सर्चिंग होम और जच्चा बच्चा सेंटर चला रहे झोला छाप के अस्पताल में गजाधपुर की जच्चा बच्चा और एक दूसरी महिला के नवजात शिशु की मौत हो गई। तीन मौतों के बाद लोग उत्तेजित हो गए तथा हंगामा काट कर जाम लगा दिया। भीड़ के तेवर से डर अस्पताल का स्टाफ भाग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल संचालक को कब्जे में ले लिया। जैसे ही तत्काल मुझे पता चला, मैंने तुरंत आकर के इस हॉस्पिटल को सील कर दिया। सील करने के बाद थाने में तहरीर दे दी है और इनके खिलाफ मेडिकल एक्ट 15/2, 15/3 के तहत और धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज होने के लिए मैंने कोतवाल साहब को तहरीर दे दी है, और उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस स्तर पे होगी। उन्होंने आज जो जाम लगाया था और ग्रामीण का कहना था कि एक दर्जन से ज़्यादा जो है ऐसे अस्पताल यहाँ गुन्नौर पे संचालित हैं, उसके लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसके खिलाफ भी कार्रवाई शीघ्र होगी। अभी तो मैं पोस्टमार्टम में मेरी ड्यूटी है, तीन बॉडी आई हुई है, मैं तुरंत ही तत्काल आया हूँ वहाँ से, अब जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, मैं तुरंत ही पूरे जनपद संभल में जितने भी इस तरह के अवैध छोटे मोटे अस्पताल हैं या नर्सिंग होम हैं या जो झोला छाप चिकित्सक हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़वाई कार्रवाई करके और थाने में तहरीर देकर उनको बंद करवाना है। संभल से नवेश शान की रिपोर्ट।